क्या बात है, एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूँ। कौन सी? वेलकम थ्री। पता है कितनी बड़ी कास्ट है? 40 लोग हैं, 40 स्टार्स। 40? हाँ। मतलब 40 के हिसाब से सारे बड़े बड़े स्टार का 2-2 मिनट का रोल तो सेट हो गया होगा। भाई अगर बड़े बड़े स्टारों को 2-2 मिनट का मिला है तो तुम्हारा तो 2-3 सेकंड का होगा। मत करो ऐसी फिल्में, इससे अच्छा कश्मीरा के साथ बूमर रैंक बना लेते। अरे नहीं, उसके साथ 2-2 बच्चे बैठे पहले से ही बना ली है मैंने। अरे सुन, हॉलीवुड से ऑफर आता है, हॉलीवुड में काम किया है मैंने। ये तो सच बात है, ये सच बात है। ये मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा, हॉलीवुड में काम किया। मैं अपने हस्बैंड के साथ पिछले महीने गई थी मैं अमेरिका, वहाँ पे बड़ा सा हॉलीवुड लिखा होता ना, मेरा भाई वही काम कर रहा था, प्लकार्ड पकड़ा हुआ था, लिखा था आई एम पुअर पीपल प्लीज गिव मी मनी फॉर ब्लैंकेट। वो मेरा ऑडिशन था, वो मेरा हॉलीवुड फाइल्स का ऑडिशन था मेरा। अरे भाई तुम हॉलीवुड में प्लकार्ड पकड़ के खड़े रहो, इधर बॉलीवुड ने हॉलीवुड को कई गुना पीछे छोड़ दिया फिल्मों में। ये तो सही बात है, जवान, पठान, टाइगर, रॉकी रानी, एनिमल, डंकी, इन सब फिल्मों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह वाह वाह। और ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी कमाल के शोज आए हैं, आर्या, जुबली, सास बहू और फ्लेमिंगो, नाइट मैनेजर, गंस और गुलाब, फर्जी, द रेलवे मैन। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी सारी फिल्में बनी, इतने सारे शो बने, एक भी रोल किसी ने नहीं दिया भारती। पागल है क्या? वैसे कैसे सबके सब बैर होती हूँ क्या? मैं दिख रही हूँ क्या? बैर होती हूँ क्या? ऐसे नहीं सबके जाए बेस। अरे नहीं मिलता तो नहीं, करते रहे हेलो और वेलकम कर रहे हैं। मेरा ठीक है, तू क्या कर रही है? तेरा तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा चल रहा है। वो तो चल रहा है यार, एक वेब सीरीज मिल जाए ना, सेट हो जाए यार, इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए, किसी ने भी नहीं बुलाया हमें। क्या ज्यादा आर्टिस्ट हो गए हैं? देख क्या होता है ना भारती, ये सब किस्मत का खेल है। तेरे को टीवी सीरियल मिल सकता था जिसमें तू सेट हो सकती थी। अगर ये 15 साल पहले सर असित मोदी को मिल जाती, मैं गारंटी देता हूं जेठालाल का रोल यही कर रही होती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तू अगर सिर्फ यहां यहां वैक्सिंग ना करे, हर एंगल से जेठालाल लगती। देखो, अरे दया, अरे दया, अरे दया, अरे दया। हाँ, ये। चलो ठीक है, अरे मैं नहीं मिली तो नहीं मिली, मेरी गलती है। लेकिन अगर तुम तो बॉम्बे में रहते हो ना कृष्णा, अगर तुम एक बार एकता कपूर से मिल लिए होते ना तो तुम आज अच्छे एक्टर ना होते। ये क्या कह रही है? हाँ, क्योंकि वो मुंह पे कह देती ना तुम अच्छे एक्टर नहीं हो। बड़ी बंदी यार, उसको क्या डर, अच्छे अच्छे शो बनाती यार, मुंह पे बोल देती हे कृष्णा, वेरी बैड एक्टर। हाँ क्या कर रही है तू? हद है यार, सामने देखो डबल बस चीज पिज्जा पड़ा है और मैं वड़ा पाव के साथ सर खपा रही हूँ। हाँ ऋतिक सर, एक मिनट। देखो मैं कितनी बड़ी फैन हूँ, मुझे सब याद है आपके स्टेप वो। हाँ, आपको कुछ याद आ रहा है ना मुझे देख के? हाँ मुझे पता है किसकी याद आ रही होगी। किसकी? इनको कांचा चीना की है ना, ये वही सोच रहे हैं। कांचा चीना को तो मैंने मार दिया था, ये बाल और आईब्रो उगा के वापस कैसे आ गया? इतनी खूबसूरत हॉट लड़की आपको लग रही है कांचा चीना? नहीं ना सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बस मुझे अपना जादू बना लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ नीली 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 बनके, ताकि आप मुझे देखें और आपके मन से निकले मोए मोए। नहीं सर, मोए मोए। नहीं जादू बिल्कुल मत बनाना इसको अपना, जादू आपका सिर्फ धूप खाता था, ये सोनी कलर स्टार पूरा सोशल मीडिया खा जाती है ये। रानी मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? क्या बात है यार, रानी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
रानी मैम, मेरा भाई कृष्णा मेरे साथ खड़ा है. मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आए मैम मेरे भाई कृष्णा को जरूर याद रखना. माइंड ब्लोइंग काम करता मैम. गाड़ी धुलवा लो, खाना बनवा लो, कपड़े प्रेस करवा लो. माइंड ब्लोइंग मैम. ये क्या बोले जा रही है भारती, एक्टिंग की बात करना. रानी मैम कपिल शर्मा शो में कितनी बार आए हैं? अरे कई बार आई हैं, कम से कम नहीं तो 3-4 बार आई हैं. है मैम? हाँ. अगर इतनी बार उन्होंने तुम्हारी एक्टिंग देख के नहीं बुलाया तो फिर क्या सोच रहे उनके? अरे यार ये क्या भारती यार, ये ड्राइवर ये क्लीनर ये सब लगा रखा है. तो देख बहुत जल्दी मैं IAS ऑफिसर बनूंगा. वो तो ऑफिसर बनोगे, वाह. उसके लिए ना पहले मेरे भाई बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. अरे कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती भारती, आजकल कोई सा भी सीरियल कर लो वो सबको धड़ाधड़ IAS बना रहे हैं. ये सब एक्टर है कि खान सर के स्टूडेंट? आज देखो कितने सारे कलाकार कैसे फ्रेश बैठे हुए हैं. जैसे उस सब्जी की दुकान होती है ना, उसमें सब्जी वाला बार बार ऐसा पानी डालता रहता है, मूली ठीक करता रहता है, वैसे मैंने देखा ये जितने आर्टिस्ट बैठे हैं ना, इनके हेयर मेकअप आते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पाउडर छिड़क के जाते हैं. ए हट मक्खी. ये तो अच्छा है कि हमारी जो शूटिंग है वो रात को खत्म हो जाएगी. हाँ. वरना सुबह तक ये ऐसे मुरझाते ना, ये अपने जो जेडी भाई हैं मजीठिया साहब, अरे इनका तो करेले का टेक्सचर आ जाता. लेकिन एक बंदी है जो इतनी सारी चीजों में भी फ्रेश रहती है. कौन कौन भारती? मैं अनुपमा. अरे भाई अनुपमा तो अपने शो में इतना रोती है कि फ्रेश रहने के लिए पानी छिड़कने की जरूरत नहीं, वो तो फ्रेश रहती हूँ मैं. समझे तुम वनराज? तो गाइस मेरा तो खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर से आऊंगी. मैं जा रही हूँ बैकस्टेज तैयार होने. जाइए पीछे पीछे जाके करिए भारती जी. भारती के लिए जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू भारती. पीछे पीछे आइए. सो नए साल पे IT आप जरूर देखिएगा गाइस. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द 23rd इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स. बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ. हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट टॉक चैट शो न्यूज TV के लिए, और इसे प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रण करना चाहूंगा महिमा चौधरी एंड आदित्य सिंह का. द विनर इज राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. आई जस्ट रियलाइज दिस इज माई 12th अवार्ड एट द इंडिया टेलीविजन अकेडमी. वाओ. आई एम वेरी ग्रेटफुल, हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड. So thank you to the Indian Television Academy, Anu and Shashi Ranjan. You just get bigger every year. So congratulations for what you put together. On behalf of the entire team at India Today, thank you very much. Have a great evening. Thank you. Thank you. Thank you, Rajdeep sir. We take great pride in you, sir. Agla IT award hai Best Anchor Male News Current Affairs TV ke liye. The award goes to Rahul Kanwal, News Track, India Today. अनु शशि, आपने इस पत्रकारिता को रिकग्नाइज किया इंडिया टुडे ग्रुप का. मैं शुक्रगुजार हूं कि इस तरह की बेबाक, निर्भीक, फेयर, बैलेंस्ड पत्रकारिता के लिए आज भी हिंदुस्तान में जगह है. एंड थैंक यू सो मच. अगला IT अवार्ड फॉर द बेस्ट एंकर टॉक चैट शो न्यूज TV, और इसे प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रण करना चाहूंगा प्रेसिडेंट ITA अनुरंजन, ऑनरेबल चीफ गेस्ट स्मृति ईरानी जी, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. द अवार्ड गोज टू पद्मजा जोशी. This is for each and every young man and woman in my newsroom. This is for you. This is for the team. And to my mother, I think the happiest that I have been to see that all the successful women in the TV industry are here, because our mothers put their foot in the door, and that's the reason that we could open it, and we will keep it open for those who come after us. Thank you very much. Thank you, guys. अगला IT अवार्ड है बेस्ट एंकर फीमेल न्यूज करंट अफेयर्स TV के लिए. द अवार्ड गोज टू सवाल पब्लिक का नाविका कुमार.
getting this from a woman achiever herself is amazing, and two women standing here on the stage personifying what television is all about. This is a great moment. Thank you to my parents who never set any agenda for me and allowed me to follow my dreams. Thank you. Many, many congratulations. Up next, IT Award for the most popular English news channel TV. India Today. Thank you, ITA. Thank you, Ms. Irani. And I think the minister would know that when a woman runs a show, there's a different kind of energy. The success story of the India Today group has been fueled by what we are celebrating here today, which is Nari Shakti. And our next ITA award is for a popular Hindi TV channel. And the award goes to Aaj Tak. चैनल आज तक था जिसने एक लड़की को प्राइम टाइम करने की इजाजत दी, और मुझे लगता है कि वही जो एक सकारात्मक शक्ति होती है, या यूं कहूं कि शक्ति होती है एक नारी के साथ जुड़ी हुई, वो आज तक के साथ हमेशा रहेगी, चाहे कलीपुरी हो हमारे साथ या फिर राहुल और सुप्रे सर के जैसे हमारे कोलीग्स हो. थैंक यू सो मच. शुक्रिया सर, मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच स्मृति मैम. कौन सा है वो सीरियल जिसने इस साल लोगों के घरों में लगे टीवी के साथ साथ घर वालों के दिलों पर भी राज किया? The award goes to